चिन्नास्वामी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दो अंक अपनी टीम के साथ जोड़ लिए हैं। साथ ही साथ अब अंक तालिका में यह टीम दसवें से उठकर सातवें पायदान पर आ चुकी है। मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच रहे। बहुत सारे मोमेंट्स इस मैच में निकल कर आए। विराट कोहली बहुत खुश थे, एनिमेटेड थे, गुस्से में भी थे और एक फ्लाइंग किस भी उन्होंने दी। सब कुछ है इस मैच में, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने पूरी तरह से धाराशाही किया गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में विकेट निकाल कर दिए, साहा को आउट किया, गिल को आउट किया और 147 रनों पर यह टीम ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जरूर कोशिश की थी डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद खान ने, लेकिन 147 से ज्यादा नहीं बना पाए। लेकिन जब टारगेट चेस करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, तो विराट कोहली ने पहले ही ओवर में वो लॉफ्टेड कवर ड्राइव, वो जो छक्का लगाया मोहित शर्मा को, उसके बाद तो मोमेंटम चेंज हो चुका था। फाफ डु प्लेसिस का अर्धशतक आया, 18 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। आईपीएल में आरसीबी ने सबसे तेज पावर प्ले में रन बनाए, 92 रन उन्होंने खड़े किए। हालांकि 92 रनों के बाद उनके 6 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, तो लगा एक वक्त की मुकाबला ये फंस चुका है, एक बार फिर आरसीबी चोक ना कर जाए। लेकिन दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने मेक श्योर किया कि ये दो पॉइंट जो है वो आरसीबी लेकर अपने घर जाए और ये मुकाबला जिता दिया है। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट ये था कि विराट कोहली ने शाहरुख खान को रन आउट किया, इसके साथ साथ एक कैच पकड़ा, विराट कोहली को आज आकर गले लगाया है जो फाफ डु प्लेसिस ने। आज उनकी पत्नी भी स्टैंड में मौजूद थी, उन्होंने विराट कोहली को बहुत प्रोत्साहित किया और इस तरह से कोहली ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन ऑरेंज कैप उनके सर पर भी मौजूद है और इस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2 अंक अपने खाते में जोड़ लिए। अभी भी वो इस प्रतियोगिता में जिंदा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कितने स्कोर तक पहुंच सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।